कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं। किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है, आज वस्तुस्थिति ये हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है, और दूसरी तरफ हमारा संकल्प ये है कि उस शक्ति को चांद की ऊंचाई तक ले जाकर स्थापित करना है। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। साहब, नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। माननीय उप सभापति जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी प्लीज, कृपया कृपया सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात रख रहे हैं, बोलने दे। आप सबसे आग्रह है कृपया अपनी जगह बैठें। माननीय सुधांशु त्रिवेदी, सभापति महोदय, जैसा कि मैं उस समय चर्चा कर रहा था कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा कहना था कि नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय के विकास के प्रति यह समर्पित विश्वास के प्रति यह समर्पित जनादेश था। इस चुनाव में कई और विशेषताएं रही। भारत के लोकतंत्र को एक नए स्वरूप में और एक नया विस्तार पाने का अवसर प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए और जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर, बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, जिस प्रकार की लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। अगर जम्मू और उधमपुर में 68 और 72% वोटिंग हुई तो ये भी ये देखने को मिला कि कश्मीर घाटी में, अनंतनाग में 53% और बारमूला में 59% पोलिंग हुई, जो आज तक कभी भी इतनी पोलिंग चुनावों में सहभागिता नहीं रही। लोकतंत्र के इस पर्व की, इस अवसर को निश्चित रूप से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यद्यपि हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। पहली बार हमने उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है, और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक जी से पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। अंतिम मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं। दूसरा विषय इस चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का विषय आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है, तो मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। तेलंगाना में हमारे 8 सीटें ही नहीं है, हमारा मत प्रतिशत 35% है। कर्नाटक में हमारा मत प्रतिशत 45% है। केरल में हमारी 1 सीट आई है मगर 17% मत है। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 10.25% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 11.5% वोट मिला है। यानी तमिलनाडु में भी हमने पहली बार 2.5 अंक में मत प्रतिशत प्राप्त किया है और कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यानी किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है, आज वस्तुस्थिति ये हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में
पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। यह चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था। बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने, हम दुनिया के 3 बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है और हम 2रे नंबर के मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनाने वाले देश बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने और डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया में नंबर 1 के देश बने। और महोदय, इतना ही नहीं हुआ, पिछली लोकसभा और इस लोकसभा के बीच में चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने जिसका राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया। निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, परंतु प्रधानमंत्री जी का निरंतर संवर्धन, सहयोग और संबल उन्हें प्राप्त होता रहा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा, पॉइंट शिव शक्ति, यानी हमारी स्त्री शक्ति को वो स्थान चांद की ऊंचाई तक देने का काम किया। और यहीं पर मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, इसी समय देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है, और दूसरी तरफ हमारा संकल्प यह है कि उस शक्ति को चांद की ऊंचाई तक ले जाकर स्थापित करना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चुनाव संपन्न हुए मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार 3री बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी? महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी, फर्स्ट डिवीजन एक रोमन में, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहां खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते हैं डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया, साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड, तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240।
मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी। यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। राष्ट्रपति महोदया ने बिंदु क्रमांक 3 में एक और बात स्पष्ट की कि 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त करके जनता ने आशीर्वाद देकर सदन में भेजा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये के बारे में ये विषय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोग बहुत ज्यादा डिफेंस भी किए थे, उनके अंदर कुछ एक बेचैनी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और इसलिए शायद हमारे विरोधियों माननीय सुधांशु जी, माननीय एचडी देवगौड़ा जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप समय उन्हें बीच में दे सकते हैं। जी जी, ऑनरेबल एचडी देवगौड़ा सर, आई हैव गॉट द हाईएस्ट रिगार्ड ऑल आवर सीनियर मेंबर्स wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection, but the point is the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir, I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there's thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision till the inquiry. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. I don't agree. We have got sufficient scope to debate on the issue of the president address. On the president address, we can discuss. But this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take sides, but the way in which our all elders, they are all senior leaders, they are all mature leaders. I don't know when the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? This is not the way. I only appeal
all mature leaders, senior leaders, please, please, knowing full well, you know, the entire issue, I only appeal to you not to say unnecessary. Please blame the government. The government has done its duty and the inquiry is going on. Till the inquiry report comes, the minister, the HRD minister cannot take any decision, or the government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. Then only we can discuss about the concerned person who is responsible. I make an appeal to all these members, see that, let the house go smoothly. That's all, sir, what I can appeal. Ajax Prime Minister, बहुत मैच्योर माननीय देवगौड़ा जी देश के बड़े सम्मानित नेता हैं, उन्होंने जो कहा आपने सुना, प्लीज माननीय माननीय सुधांशु जी प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। सभापति महोदय, अभी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एचडी देवगौड़ा जी ने जो विचार कहे, बड़े दुख का विषय है कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद, सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल, सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। अब मैं विषय पे आता हूं, जो मैं बता रहा था कि बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो, और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं, और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय मुझे आज तक याद है, 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो सब एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था, और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल, और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि एक वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है
सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और शून्य वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी, एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना, इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है, और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की, दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, हमारे तीसरा बिंदु, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में मंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया, हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला, मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता एससी जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया, न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है।